एसआरके ने क्यों उड़ाया सनी देओल का मजाक और क्या गदर 2 होगी फ्लॉप, जिसमें होगा एसआरके का हाथ। देखो इन दोनों की लड़ाई बहुत पुरानी है और ये किसी से भी छुपा नहीं है। सारा बॉलीवुड एसआरके और सनी देओल की लड़ाई के बारे में अच्छे से जानता है और इत्तेफाक से इन दोनों की फिल्में आसपास रिलीज हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अपने प्रीव्यू के दौरान शाहरुख खान ने सनी देओल का मजाक उड़ाया है। दरअसल क्या है कि अभी गदर 2 का टीजर आया था और पब्लिक के बीच इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ही शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिलीज हुआ और उसमें एक डायलॉग ऐसा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि शाहरुख लिटरली सनी देओल का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा क्या कहा गया था, आइए जानते हैं। दरअसल डायलॉग कुछ ऐसा था कि ट्रेन में जाते हुए एसआरके कहते हैं, जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे आगे कोई भी हीरो टिक नहीं पाता, और मैं तुमको बता दूं कि सेम ऐसा ही कुछ दर मूवी के साथ भी हुआ था, जिसमें हीरो सनी देओल थे और विलन का रोल एसआरके ने प्ले किया था, लेकिन विलन का रोल एसआरके ने इतना अच्छा प्ले किया था कि पब्लिक ने उनको सर पर उठा लिया था। पब्लिक को शाहरुख खान का ये एक तरफा आशिक वाला रोल इतना पसंद आया था कि उसे अभी तक याद किया जाता है। अब क्या करे, हमारे इंडिया में एक तरफा आशिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस चक्कर में सभी ऑडियंस ने बेचारे सनी देओल को इग्नोर कर दिया, बहुत बुरा हुआ नहीं। फिर उसके बाद बाप बेटा यानी कि धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों का भी भड़क गए, किस पे, सब पे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहाँ तक कि ऑडियंस भी इनके गुस्से से बच नहीं पाए, लेकिन सबसे ज्यादा ये गुस्सा थे एसआरके पर। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस पूरी शिद्दत से अपना रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन इस बार एसआरके ने इस दुश्मनी को जानबूझकर हवा दी है, तो देखते हैं कि आगे इनका क्या होता है। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि संजू बाबा ने गदर 2 के बारे में कौन सी शॉकिंग बात कही है तो ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक करो, लेकिन हाँ क्लिक करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर रेगुलर इस चैनल की वीडियो देखना चाहे तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट भी कर देना।